हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको आरआईएमसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। आरआईएमसी का जो नोटिफिकेशन है फॉर्म भरने का, वो आ चुका है। 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि आप लोग अभी से फॉर्म मंगा लीजिए और फॉर्म फिल करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च विल बी द लास्ट डेट। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए, वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसमें एक तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे का डोमिसाइल है, उसके अलावा बच्चे का बोनाफाइड है जो स्कूल से बनता है, ठीक है। तो जो बोनाफाइड है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा। उसके अलावा दो फॉर्म्स जो आरएमसी से मिलते हैं वो भरने पड़ते हैं, और उसमें बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स लगती है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स पहले ही पूरी कर लें। जिन बच्चों के बोनाफाइड नहीं बने हैं स्कूल से, वो स्कूल से बोनाफाइड बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे का डोमिसाइल नहीं बना है तो आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें। जो वहाँ से आपको रिसीट मिलेगी डोमिसाइल की, वो रिसीट आप लोग आरएमसी के फॉर्म के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। उस बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा, डोमिसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। जिन बच्चों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो पेरेंट्स उसके लिए अप्लाई करें, और क्योंकि इतने जल्दी तो नहीं मिलेगा, तो जो उसकी रिसीट है उसके साथ आप फॉर्म के साथ अटैच करके उसको आप जब आप भेजेंगे अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स में, तब आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। एक और क्वेरी पेरेंट्स की है, वो पूछ रहे हैं कि आरएमसी का रिज़ल्ट कब आएगा। जो दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आएगा फरवरी के एंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेरेंट्स से मैं कहूँगा फरवरी के एंड में विल गेट द रिज़ल्ट ऑफ आरएमसी, ठीक। ऑल द बेस्ट।